अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम जो है वो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो इस व्लॉग में हम आपको सुजुकी की जो है वो ट्यूनिंग दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये व्लॉग जो है वो सुजुकी वालों के लिए बहुत स्पेशल है, सही है। तो लास्ट ईयर जब मैं लास्ट टाइम जब मैं कुमराट वैली गया था, तो उस टाइम मैंने सुजुकी की ट्यूनिंग कराई थी। उसके बाद फिर मैंने सुजुकी की ट्यूनिंग कराई नहीं है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे जो है वो सुजुकी अपनी GS-150 की ट्यूनिंग कराएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से भी वीडियो शेयर करेंगे और दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये है कि हम इसकी जो है ना वो आयल चेंज करेंगे, ठीक है, फ़िल्टर जो है आयल फ़िल्टर चेंज करेंगे और मुकम्मल ट्यूनिंग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बाइक की बात जो है और रास्ते में करते हैं, सही है, लेट्स गो। हाँ तो जी, हम रवाना हो चुके हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कराने के लिए।
अच्छा जी, तो अभी हम पहुंच गए ठीक है शोरूम पे, ऊपर शोरूम है ठीक है, और नीचे जो है वो बेसमेंट में मैकेनिक बैठे होते हैं, सही है। तो अभी जिधर मैं बैठा हूँ ये वेटिंग एरिया ठीक है, सामने ही जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो साइकिल वगैरह ठीक करते हैं, सही है। और ये जो है एक छोटा सा रूम बनाया है जिसमें जी ये एसी भी लगा हुआ है, ठीक है टीवी भी लगा हुआ है और अच्छा माहौल है, सही है। यहाँ पर तो इन्होंने जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर रखा हुआ है, सही है। तो थोड़ी देर अभी लगती है, तो हमारा नंबर आने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इंतज़ार करें। आपसे बात पूछनी थी कि जो मुकम्मल ट्यूनिंग होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है साइकिल में, वो बता दें जरा व्यूअर्स को। सबसे पहले ऑयल खोलेंगे, अच्छा बाद फिल्टर वगैरह होगा, सही है। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद चैन ब्रेकें नेट बोल्ट, अच्छा काबले वगैरह गाड़ी के टाइट होंगे, अच्छा केबलें वगैरह वॉश होंगी, सही मुकम्मल। अच्छा तो फिल्टर ऑयल भी, मतलब ऑयल फिल्टर भी चेंज करना है हमने, ऑयल और फिल्टर भी साथ चेंज होगा, वो कस्टमर करवाना है सही है। बकाया उसके बाद इधर चेंज की सफाई भी होगी ना, ये मैग्नेट आप खुलेगा इसकी सफाई होगा, सही चेन कवर वगैरह गाड़ी का लगा हुआ, सही सफाई होता है, सही है ठीक है। फिल्टर जिस गाड़ी का ख़राब हो वो चेंज हो जाता है, अच्छा तो फ्यूल फिल्टर ख़राब हो जिसका ठीक हो उसका बिल्कुल ठीक होता है, वॉश करते साफ करते, सही है ठीक हो। सही हो। अच्छा ये भाई कह रहे हैं कि जो पानी वाली बैटरी होती है उसमें हम पानी वगैरह चेक करके फिर हम लगाते हैं, जबकि मेरे पास जो मेरी बाइक में बैटरी लगी हुई है ठीक है वो तो ड्राई बैटरी है, इसलिए उसको चेक नहीं किया जाएगा, उसको सिर्फ साफ़ करके ढकना बंद कर दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा बोल्ट जी चेक कर रहे हैं ठीक है, इसमें जो भी बोल्ट वगैरह हो
अच्छा, ये मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिए तो भाई कुछ बताएंगे ये टैपेट के बारे में, ठीक है? जी भाई, मिक्सचर एडजस्ट करने लगे हैं क्योंकि इसके टैपेट 150 कोई भी है वो ऑटो एडजस्टर है, सही है, टैपेट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया, मिक्सचर एडजस्ट करेंगे और जो छनकार आ रही होती है इंजन की वो बिल्कुल साउंड हो जाएगी। सही, भाई कह रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग चेन है वो एडजस्ट हो जाती है जबकि इसकी जो टैपेट हैं वो ऑटो एडजस्ट हैं, ठीक है, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है जी सुजुकी 150 में ये मसले हैं, ठीक है, ये मतलब कि एक जीएस, ठीक है, तो सुजुकी जीएस 150 में ये एक बात है जो आपको बतानी लाजमी थी, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको आज? उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो जितना खर्चा मोटरसाइकिल के ऊपर है मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ वो मैं जो है टोटल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह नागिबान।